नमस्कार दोस्तों, कृष्णा फूड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू बुखारे की चटनी, जिसको हम प्लम चटनी कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 250 ग्राम प्लम लिए हैं, उनको वॉश कर लिया है। अब इनको कट करना है। इनके गुदे को निकाल लीजिए अच्छे से, बीजों को साइड में कर दीजिएगा। इसका हमें छिलका नहीं उतारना है, ये छिलके के समेत ही हमें कट करने हैं। देखिए अब हमारे प्लम जो है वो अच्छे से कट हो गए हैं। लीजिए अब हम एक मिक्सर जार का लेंगे, उसके अंदर इस सारे प्लम को डाल देंगे। अब हमें इनको ब्लेंड करना है केवल 2 मिनट के लिए। लीजिए ब्लेंड हो गए हैं। ब्लेंड होने के बाद अब हम इनको एक पैन में निकाल लेंगे। लीजिए अब जो मिक्सचर के अंदर जो थोड़ा सा लगा हुआ है ना मिक्सर के अंदर, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसमें डाल देंगे। अब हम इसको गैस पर रखेंगे और लो मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है हमें। अब हम इसके अंदर 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच प्लेन नमक, लाल मिर्ची 1/4 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्ची 1/4 चम्मच, शुगर 1.5 चम्मच, 1 चम्मच गुड़ और 1 चम्मच ही हमें सौंठ लेनी है। आप चीनी या गुड़ को थोड़ा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके प्लम के ऊपर डिपेंड है कि वो कितने मीठी है या कितने ज़्यादा खट्टे हैं। अगर वो ज़्यादा खट्टे हैं तो उसमें चीनी जो गुड़ की मात्रा है वो थोड़ा डबल कर दीजिएगा। मैंने 1/2 चम्मच डाला है, आप 1 चम्मच डाल दीजिएगा। अब हमें इसको अच्छे से पकाना है, हमें 5 मिनट तक ये गैस पर अच्छे से पकाना है लो मीडियम पर। लीजिए 5 मिनट हो गए, अब गैस को बंद कर दीजिए। देखिए हमारी चटनी जो है कितनी गाढ़ी गाढ़ी हो गई है। आप इसको जब ठंडा करेंगे तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। लीजिए हमारी ये चटनी आलू बुखारे की चटनी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई हुई रेसिपी पसंद आई है तो कृपया करके कृष्णा फूड एक्सप्रेस को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए।